सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। समय श्री की उपासना की जा रही है। श्री की उपासना का सर्वश्रेष्ठ कालखंड है तो नवरात्र है। नवरात्र सच में देखा जाए तो नवरात्र ये रात्रि कालीन सिद्धियों का एक अद्भुत संगम है कि हम रात्रि कालीन कैसी सिद्धियों को प्राप्त करें और कैसे अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। जितने भी साधक, जितने भी हरि भक्त इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी हरि भक्तों को जय श्री श्याम। और जीवन की हर सांस से आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोताओं के नाम महाराज जी लिख चुके हैं, तो आप जुड़िएगा और सच मानिएगा जीवन का असली आनंद तो खुशियां हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जितनी खुशियां बांटो बढ़ेगी, अगर नहीं बांट पाओ तो जीवन में कुछ नहीं है भैया। तो यहां से खुशियां पाने के लिए आते हैं। पहले कथाएं होती भक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए होती थी महाराज जी, पहले कथाएं होती थी तो भक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए कथाएं होती थी। आज की कथाओं का दौर चेंज हो गया है। आजकल पाने के लिए हम लोग आते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए। अरे भैया, भक्ति मिल गई तो सर्वश्रेष्ठ मिल गया। किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, किसी धाम में जाओ तो जाकर ये बोलना, ये संसार की चीजें क्या मांगना, ये तो नश्वर चली जाएगी। गुरु के चरणों में जाकर, पूज्य महाराज जी के चरणों में अगर एक बात मांगी, सच कह रहा हूं मैं आपको कि महाराज जी मेरी भक्ति बढ़ती रहे। अगर आपकी भक्ति बढ़ गई तो आपके जीवन में बहुत शक्ति आ जाएगी। और ये तो शक्ति का कालखंड है, शक्ति की उपासना का सर्वश्रेष्ठ कालखंड चल रहा है। तो पूज्य महाराज श्री के पास में आया, मुझे अवसर मिला, श्री धाम वृंदावन कुछ सांसें लेने का मुझे अवसर मिला। और महाराज जी, सांसों में मैंने आपका नाम लिख रखा है कि आपने प्यार को इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम प्रणाम।